गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि मैं अपने जून को कैसे यूटिलाइज करने वाली हूँ, किस दिन पे मैं क्या करने वाली हूँ। अगर आपने मेरी रिसेंट वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दिया था कि मैं नवंबर तक क्या करने वाली हूँ, कैसे करने वाली हूँ, अपना सिलेबस कंप्लीट, मॉक्स कब स्टार्ट करूंगी एंड सेक्शनल्स कब स्टार्ट करूंगी। लेकिन आज की वीडियो में जो 15 डेज हमारे जून के रह गए हैं उसको मैं कैसे यूटिलाइज करने वाली हूँ, क्या क्या करने वाली हूँ, डे वाइज आपको सब कुछ डिटेल में बता दूंगी। अगर आपको भी अभी स्टार्ट करनी है कैट की प्रिपरेशन फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, देन इट इज द हाई टाइम, स्टार्ट इट राइट नाउ। गाइस जब हम तैयारी शुरू करते हैं ना, हमारे माइंड में तीन मेनली क्वेश्चन होते हैं, सब डाउट में रहते हैं, सब ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि टाइमली कैसे स्ट्रक्चर करेंगे सब कुछ, मॉक्स कब करेंगे, कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो करेंगे। अगर आपको बिना टाइम वेस्ट करें इन सबको एक ही जगह पे सोल्यूशन चाहिए, सो यू कैन फॉलो पीडब्ल्यू के एमबीए वाला बैचेस। तो एमबीए वाला ना बहुत सारे बैचेस लेके आए अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स के लिए। इनका जो पहला वाला बैच है वो है एमबीए इलाइट 2024। इसमें आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड लाइव लेक्चर्स, 20 प्लस मॉक टेस्ट सीरीज, 10,000 प्लस क्वेश्चन बैंक इन डीपीपी फॉर्मेट। तो इसमें और भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो यस, इसका प्राइस जो रहेगा वो है 6999। एंड द नेक्स्ट इज एमबीए इग्नाइट बैच। जिस बिगनर लेवल क्रॉस कर चुके हो तो आपके लिए जो बैच है वो है एमबीए इग्नाइट बैच। इसमें आपको इलाइट बैच के भी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे एंड ग्रुप डिस्कशन एंड पीए राउंड, जो कि आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं क्योंकि इसके बिना तो पी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। एंड एमबीए प्रो में आपको मिलेगा अदर एग्जाम्स की भी तैयारी करने का मौका, जैसे कि जैप, स्नैप, मैट एंड एक्सेस टू पीडब्ल्यू खजाना। सो इफ यू आर लाइकिंग इट यू कैन ऑल्सो बाय देयर बैचेस, क्योंकि बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रेंजेस में है। इट्स द बेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप ये वाला कूपन कोड जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये यूज करोगे तो आपको 500 रुपीज का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। सो इफ यू हैव ऑल्सो नॉट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन टिल नाउ, इट इज द हाई टाइम, यू हैव टू डू इट नाउ। और अपना 100% दो, अभी से दो, क्योंकि फिर टाइम कम रह जाएगा एंड फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी तो हमारे पास इनफ टाइम है, कम्प्लीट कर लेंगे सिलेबस, मॉक, सेक्शन सब कर देंगे। एंड आई एम गोइंग टू स्टडी अराउंड 7 to 8 hours एंड मोर देन दैट। तो मेरा जो टाइम टेबल है वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, आप उसमें अपने अकॉर्डिंग थोड़े से चेंजेस कर सकते हो, बट मैंने अपना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाया क्योंकि अब थोड़ा टाइम कम रह गया। एट आई विल शो यू एवरीथिंग इन डिटेल। एंड आज के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि मैं जून में अपनी वीआरसी डीएलआर पूरी कंप्लीट करने वाली हूँ। यस, जो भी 15 डेज रहते हैं मैं स्टार्टिंग टू एंड सब कुछ डीएलआर एंड वीआरसी में कंप्लीट करने वाली हूँ। हाँ, मैंने थोड़े बहुत मतलब ऐसे ओवरव्यू ले रखा है, रीडिंग कर रखी है वो कैब में। अगर आपने मेरी रिसेंट वीडियो देखी होंगी, डीएलआर के भी 3-4 टॉपिक मैंने कंप्लीट कर रखे हैं, बट उनको भी रिवाइज करूंगी दोबारा से एंड जो टॉपिक्स रहते हैं वो भी मैं कंप्लीट करूंगी। आते हैं हमारे जून के टाइम टेबल पे कि हम अभी 15 डेज कैसे यूटिलाइज करके अपना वीएआरसी एंड डीएलआर का सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। गाइस जो वीएआरसी डीएलआर है उसका सिलेबस कुछ ज्यादा नहीं है, तो उसका आप अगर मैक्स टू मैक्स एक मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। मेन चीज है प्रैक्टिस, वो होगी हमारी जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी 15 डेज में आप अपना मेन फोकस करें, जो वीएआरसी है उसका सिलेबस कंप्लीट करें, डीएलआर का सिलेबस कंप्लीट करें एंड अर्थमेटिक कंप्लीट कर देना एंड ऑफ जून तक। ओके, आई विल शो नाउ माय एक्सेल शीट, माय टाइम टेबल जो मैंने डे वाइज प्रिपेयर करा कि मैं ये फॉलो करने वाली हूँ। सो आई थॉट कि मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं कि आपको भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी कि कैसे तैयारी करनी है। इस ये वाला जो टाइम टेबल है ना, मैंने 15 जून से रखा है। अगर आप थोड़े दिन बाद भी देख रहे हो सो यू कैन फॉलो दिस टाइम टेबल। इसमें परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट कर चुकी थी पहले, बट अभी मैं सिर्फ रिवाइज करूंगी। मैंने 2 दिन इसलिए डाले कि मतलब एक दिन बीच में मिस ना हो जाए ऐसा कुछ, इसलिए मैंने 2 दिन डाले, वैसे एक दिन का ही काम है ये। सो गाइस जैसे मैं इसमें एडजस्ट करती रहूंगी टाइम टू टाइम, जैसे जिस टॉपिक में मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, 2 दिन से ज्यादा लग गई या मेरे को कुछ काम आ गया तो उसको मैं एडजस्ट कर दूंगी जहां पे मुझे कम टाइम लगा है। वैसे मैंने सारे टॉपिक को 2-2 दिन दिए हैं, अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लेना आपके लिए कौन सा टॉपिक ईजी है कौन सा मुश्किल, बट आप ऐसे रखना कि बीच में थोड़ा गैप भी आ जाए ना तो भी आपका टाइम टेबल चलता रहे। क्योंकि अगर ऐसे ज्यादा टाइम हो गया आपको मतलब ऐसे टाइम टेबल नहीं फॉलो कर पाओगे तो आप मन नहीं करेगा पढ़ने को, तो ऐसे बीच में ऐसे टाइम लेके चलना कि अगर आप बीच में मिस भी कर दो तो भी आप अपना टाइम टेबल अच्छे से फॉलो कर सको। तो मेरा थोड़ा टाइम टेबल जो है ये स्ट्रिक्ट है क्योंकि मुझे अब बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है। अगर आपको भी बिल्कुल ही आपके पास और कोई मतलब ऐसे कुछ जरूरी काम नहीं है, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, आपका कॉलेज नहीं है, तो आप भी फॉलो करो, अच्छे से करो। अगर आपके पास और काम है तो आप एडजस्ट कर लो टाइमिंग, ऑल्टरनेट डेज पे कर लो। गाइस हम ना थोड़ा सा ना कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से एंड उससे हम डिस्कस कर करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इफ यू आर विलिंग टू स्टडी विद मी यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड वी कैन डिस्कस आवर टारगेट्स जो कि कंप्लीट हो
हो चुकी है, कमेंट भी कर सकते हो कि आप अभी कौन से स्टेज पे हो, सो वी कैन रिलेट एंड वी विल डिस्कस कि हमारा खाता कंप्लीट हो गया है, क्या हमारे डाउट्स आ रहे हैं, क्या हमें प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो वो सब हम डिस्कस करते रहेंगे। तो उसके लिए हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन फॉलो मी थ्रू इंस्टा और लिंक्डइन। गाइस अब जो भी वीडियो आएगी स्टडी की ही आएगी, इसके बाद मैं कोई स्ट्रेटजी वीडियो नहीं लाऊंगी जून के एंड तक। फिर हम जून के एंड में डिस्कस करेंगे कि हमारा जो टारगेट सेट किए थे वो कंप्लीट हुए या नहीं, एंड देन हम जुलाई के जो टारगेट्स हैं वो सेट करेंगे और फिर जुलाई के एंड में अपने टारगेट्स जो कंप्लीट हो गए वो डिस्कस करेंगे। तो मैंने कुछ इस टाइप का सोचा है। सो सजेस्ट मी इफ यू आर लाइकिंग इट, और आपको कुछ और चाहिए कि मैं कुछ और डिस्कस करूँ। सो येस, यू कैन कॉमेंट डाउन योर व्यूज, यू वट यू वॉन्ट, एवरीथिंग, एंड येस लेट अस कनेक्ट एंड स्टडी टूगेदर। सो येस, जुलाई में मैं सेक्शनल्स के बारे में डिस्कस करूंगी कि मैं कहाँ से सेक्शनल करने वाली हूँ, कितने सेक्शनल्स देने वाली हूँ, और फिर आगे के अलजेब्रा नंबर सिस्टम ये कैसे करना है वो सब डिस्कस करूंगी। एंड देन फिर हम अगस्त में मॉक्स डिस्कस करेंगे, तो वो सब मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूंगी। सो टिल देन प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कॉमेंट। एंड प्लीज गाइस कॉमेंट करा करो, जब भी मेरे को पता चलेगा कि आप लोग क्या सोच रहे हो, आपकी तैयारी कहाँ तक हो गई है, ये भी मेरे को बताया करो, सो मैं भी थोड़ी सी और मोटिवेट हो जाऊँ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।